जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आए हुए थे आगरा और आज हमको आपको दिखलाना है नया ब्लॉग जो कि होगा लाल किले का। सो गाइस देखिए, जैसे आप उतरोगे आगरा फोर्ट से तो आपको सीधा सामने मिल जाएगा आपको लाल किला। उसके वास्ते आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे। सो गाइस वहां से आपको जाएंगे सीधा लाल किले, मिलते हैं आपको, बाय बाय। सो गाइस सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, जैसे ही आप आगरा फोर्ट से उतरोगे तो गाइस ये अब मिलेगा आपको आगरा फोर्ट, उसके सामने आपको मिलेगा ये लाल किला। बस उतरते ही साथ आपको टेम्पो वाले बोलेंगे कि 5 रुपए में आगरा पहुंचा देंगे आपको किले पे। तो गाइस सबसे पहले आपको घबराना नहीं है और 5 रुपए देना नहीं है, बस आप सीधे ही जाओगे सो आपको मिल जाएगा बस 2-3 मिनट का रास्ता। और ये हमारे सुट्टे वाले इंसान है, तो गाइस हम तो करते नहीं है सब। तो गाइस सीधा आपको मिलते हैं किले में, ये बाय। तो जैसे ही आप ये आगरा के फोर्ट से निकलेंगे जो कि रेलवे स्टेशन है, आपको ये पोस्टर दिएगा थोड़ी दूर पे कि यहाँ से सिर्फ ताजमहल 2.8 किलोमीटर है और आगरा का किला 0.7 मतलब 700 मीटर। सो ये गाइस देखो यहाँ से भी रास्ता है, जैसे इस पोस्टर पे भी ना आप यहाँ से भी जा सकते हो। जैसा आप अंदर जाओगे तो फिर आपको ये समझ लो ये पूरा लाल किले का ही है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। बट हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पूरा घूमना है और आप लोगों को दिखाना है, तो फिर दिखा दे कहाँ जाते हैं। आप रेलवे स्टेशन निकलेंगे, यहाँ पे एक आपको मिलेगा सरकार, वहाँ से सीधा आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद आपको ये दिखेगा ये हमारे लाल किले का झंडा, भारत का झंडा। हाँ तो गाइस देखते जाओ, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं क्या पूछते हैं राजन, क्या पूछते हैं राजपूत। तो राजन आपसे क्या पूछ रहे थे अभी सारे लोग, कहाँ जाओगे भैया? लाल किले में, ये देखो लाल किला, देखा ना गाइस ये है लाल किला। तो बस हम पहुंच गए, देखो आप लोग अगर हम 5 लोग थे और हम 5-5 रुपए देते तो 25 रुपए हमारे लग जाते। सो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, कुछ भी कहीं भी जाओ आपको सिर्फ यहाँ पे आना है आराम से, ये गेट मिल गया अभी आराम से, बाय। तो गाइस साजिद कुछ कमेंट करना चाहते हैं? हाँ तो गाइस मैं करूँगा, कहाँ जाओगे? तो गाइस सबसे पहले हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स, है ना? और मैं यहाँ का प्रेम भाव देखकर बहुत। सो गाइस सबसे चलती है कि 9-11। अच्छा अच्छा। सो गाइस सबसे पहले हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में करेंगे चेंज, तो फिर मिलते हैं आपको सीधा बाद में कॉम्प्लेक्स के मिलने के बाद। आपको सीधा ही मिलेगा सामने। सो गाइस हम हो गए जाने के बाद तैयार, ये हमने ले लिया है कपड़े, और ये हमारा सलवार, और ये और हम जा रहे हैं कपड़े पहनेंगे सेम ड्रेस कोड में और फिर हम आपको मिलते हैं सीधा वहाँ पे। सो गाइस ये है उसके जस्ट सामने कॉम्प्लेक्स, यहाँ लगते हैं, जो भी चार्ज होगा उसका हमें नहीं पता उसका, तो फिर आपको आने के बाद नहाने धोने के अगर मूड हो तो आओ नहाओ दो और फिर जाओ वहाँ बना, तो मैं भी नहा। सो फाइनली गाइस हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी, और ये है हमारा ड्रेस कोड। बालों पे गौर मत करो क्योंकि हम जाएंगे भी बालों को भी टाइगर ने सही से। और तो साजिद, सुमित, अभिषेक और ये हमारा राजन, हमारी बेल्ट छूट गई है घर पे, सो हम बेल्ट खरीदेंगे हो सकता है, और हमने मास्क ले लिया है, खरीद लिया है। सो गाइस अब हम सीधा आपको मिलते हैं यहाँ। सो गाइस हम जैसे कि रेलवे स्टेशन से निकले और ये रेड फोर्ट है, अगर आप बस से आना चाहते हैं बाई बस तो ये देखिए ये बस का बस स्टैंड भी है, इतना बड़ा दिख रहा है, सारा बस स्टैंड है, यहाँ से टिकट भी होती है। सो गाइस आप बाई बस भी आ सकते हैं, बस नहीं ये ट्रैक्टर था। हाँ सो गाइस ये ट्रैक्टर है। हाँ तो हमारा ड्रेस कोड कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करें जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करें, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर लें, और अभी तो आपको बहुत चीज दिखलाने बाकी है। ये लोग हैं जो जा रहे हैं आगे आगे, और ये आपको मैं दिखाता हूँ इसके बैक साइड का, मतलब फ्रंट साइड का ही है, बट अभी हम गेट तक जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है पैदल चलना। और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं कुत्ते की तरह, बिल्ली बिग्गी पता नहीं क्या क्या है, अंडरसंड चीज़ों से लड़ते जा रहे हैं ये लोग। ये वो मानो आपके पीछे है, ये वो इंसान है जो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड से मिलने आया, ये इंसान और ये भी देखो ये भी हुए इंसान। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इनसे पूछेंगे कि ये दोस्त यहाँ आए किस लिए हैं। तो अभिषेक भाई आप किस लिए आए हो? हाँ तो मुझे तो पता है आप तो मंजू के लिए आए हो। हाँ तो मैं, हाँ साजिद आप बताइए। मैं अपने सांसारिक जीवन से व्यस्त हूँ बहुत ही, इसलिए मैं मजे के लिए आया हूँ, बस कुछ ज्यादा हो रहा है। सो गाइस मैं तो आया हूँ, आप लोगों को पता है ब्लॉगिंग करने के वास्ते, वीडियो बनाने के वास्ते। और राजन आप बताइए आप किस लिए आए? ढूंढने आया हूँ, घूम गई। और आप किस लिए आए सुमित? मैं सारी मोह माया को त्याग के खुद के मजे लेने आया हूँ।
सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है दोपहर के बज चुके हैं एक, हम आगे आते आते और हमें लगी है भूख, सो हम आए हुए हैं यहाँ पे, कुछ खाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। सो गाइस, हमने लिए पेटीज और हमारे दोस्त खा रहे हैं खाना, सो हम उनके पास चलते हैं अब खाते हुए। ठीक है गाइस, सो गाइस इस लाल किले के बाहर आ चुके हैं फाइनली हम लोग, और अब गाइस हमारे दोस्त लोग खाना खा रहे हैं। सो उससे पहले मैं सोचा तब तक वो खाना खा लेते हैं क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं और मुझे भूख भी नहीं है, और अब उससे पहले हम सोच रहे हैं कि जाके हम क्यों ना टिकट कर लेते हैं, टिकट ले लेते हैं अंदर जाने के वास्ते। आपको 70 रुपये का टिकट लगेगा, मैं भी देखते हैं गाइस फिर टिकट करने के बाद मिलते हैं। टिकट करने के लिए सबसे पहले मास्क लगाना जरूरी है अंदर एंट्री के वास्ते, स्कैनर लगा हुआ। सो गाइस, बहुत ही मशक्कत के बाद हमारा टिकट नहीं हुआ है, सो हम अब लाल किला के वास्ते कहीं से ब्लैक में टिकट खरीदेंगे। सो आपको ब्लैक में टिकट खरीद के हम अंदर जाएंगे, बट आपको दिखाएंगे जरूर। अगर वहाँ भी नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं गाइस, मिलेंगे आपको सीधा हम ताजमहल में नए व्लॉग के साथ। ठीक है बाय गाइस, देखते हैं ब्लैक में टिकट कहाँ मिलता है, बाय बाय, मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं, टिकट हो चुका है हमारा, ब्लैक में टिकट लिया हमने। सो गाइस, हम फाइनली जा रहे हैं अंदर, ये हमारे सिक्योरिटी टिकट दिखाने के बाद फिर हमारे बाय। सो गाइस, फाइनली हमने ले लिया एंट्री और हम आ गए हैं बाय गाइस लाल किला के अंदर। सो हम आपको दिखलाएंगे यहाँ के हर एक सामान को। ठीक है गाइस, मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें एंट्री लेते हैं साथ, ये एक तोप मिलेगी, तोप, ये तोप तो नहीं कह सकते इसे, ये है तोप का कोई सा सामान। सो इसके बारे में बताएंगे ये, तो क्या बोलना चाहोगे तुम लोग? मैं बिल्कुल, ये किराए की अपन इसको उठा के बेच भी सकते हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही महंगी बेटा, ये सरकारी कानून में आती है, आप नहीं बेच सकते। चलो फिर आगे चलते हैं गाइस, धीरे धीरे हम कदमों को धीरे धीरे इस्तेमाल करते हुए गेट की तरफ बढ़ते हुए। सो गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की कलाकारी और जो कारीगर ने यहाँ पर दिखाई है नक्काशियाँ, देखो शानदार है, आप देख सकते हो कि बहुत शानदार है। और यहाँ पर बारिश भी हो रही है तो एक नंबर चीज़ लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, सब चीज़ अच्छा है, मस्त है। और ये देखो हमारा अनस, और ये राजन भक्ता हुआ आ रहा है, और हर बार हम ब्लॉग बारिश में ही बनाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है जब जब बारिश होती है तब तब हमें एक ब्लॉग देते हैं। तो साजिद, मैं एक चूतिया इंसान दिखाता हूँ, देखो गौर से इसकी आंखों पे, अरे हटा ना पानी। सो गाइस, ये बारिश भी चाहती है कि हम ब्लॉग दें आप लोगों को। देखो जैसा कि हम रेड फोर्ट पे आए हुए थे ताजमहल के पास में जो है आगरा का, तो बारिश भी हो रही खूब तेजी से और सब आ रहे, देखो पब्लिक कैसी भागती हुई जा रही है यहाँ पे, जैसा कि मशक्कत के बाद हमें आया है। सो गाइस, अब आपको अंदर मिलते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप गेट से अंदर आओगे तो आपको कुछ ऐसा भी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा मतलब बारिश हो रही जैसे कि आज से बारिश नहीं होगी। ये देखो यहाँ से शुरुआत होगी फिर ऐसे करते हुए, फिर ये देखो गेट पे ही हैं अंदर अंदर जाने के लिए, फिर ये देखो, और जैसा कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और यहाँ पे खूब सारे लोग हैं। तो गाइस, अब हम जाएंगे सीधा अंदर, जो होगा वो देखा जाएगा। सो गाइस, अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे। सो गाइस, हम भागते हुए जा रहे हैं अंदर की ओर, देखो आप लोग देखो कैसा नज़ारा, ये देखो हमारे साथ ही लोग आ चुके हैं, जैसे आप अंदर पहुँचेंगे आपको मिल जाएगा फिर यहाँ से। तो जैसे ही हम निकलेंगे बारिश में भीगते हुए, हम जा रहे हैं, देख लो आप भी देखते जाओ, ये देखो हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं। तो गाइस, जैसे ही आप ये गेट से निकलोगे, इस गेट से निकलने के बाद आपको ये मिलेगी पूरी रोड ट्रैक, जैसे बारिश बहुत बढ़िया हो रही है और हमारे जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम स्लीप भी हो सकते हैं, और देख सकते हो आप लोग यहाँ से कितने बढ़िया बढ़िया लोग आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। सो देखो ये आंटी लोग आ रही है, लड़कियाँ लोग आ रही हैं। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं अंदर, आप लोगों को दिखाएंगे अंदर का कुछ ना कुछ सामान, बाय। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा बारिश, और हमने बहुत मजा आया, और हम पूरी तरीके भीग चुके हैं, देखिए हमारी शर्ट के अंदर सारे बटन दिख रहे हैं, और हमारे दो लोग छूट चुके हैं, वो देखो पीछे से आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पाते हो ऑटो, थोड़ा सा ऑटो वो आ रहे हैं वहाँ पे। तो गाइस, ये हम हैं और ये खड़ा है, हाँ सुमित तो खड़ा रहेगा, वो तो चूतिया इंसान है। तो गाइस, जैसा कि आप आ चुके हैं और आने के बाद हम जहाँ आए हुए हैं, देखो ये दुनिया का बेस्ट कैसा व्यू है, ये व्यू देखो, ये देखो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं बढ़िया बढ़िया लोग, ये करके दिखाओ, ये देखो ये भी एक देखने वाली चीज़ है शानदार, मतलब कि आने के बाद ही कुछ अलग ही मज़ा होता है यहाँ का। ये देखो ये तो शानदार लगा मुझे, इधर भी देखो ये पार्क जैसे होते ना, देखो सीढ़ियाँ यहाँ पे भी अंदर जाने के लिए, उधर कुछ है ना। जैसे ही आप यहाँ से आएंगे तो आपको सीधा ये मिलेगा, ये कि काफ़ी शानदार दिखता है, ये देखो हमारे दोस्त लग जा रहे हैं, हम अभी अभी आए हुए हैं। सो गाइस, ये देखो शानदार दिखता है पूरा, यहाँ पे लोग आते हुए हैं जाते हुए हैं। सो अब हम यहाँ पे करेंगे वीडियो शूट वूट, वैसे तो नेट यहाँ पे चल नहीं रहा, अगर चलेगा तो रील्स बनाएंगे, मौज पे अपलोड करेंगे वीडियोज़। सो गाइस, देखते रहिए, अंदर से जाके आप लोगों को दिखाते हैं कुछ खास।
ये देखिए, ये यहाँ से आते ही साथ आपको मिलेगा जहांगीर का स्नान घर बात था भाई। इसमें कैसे नहाता होगा मैं तो ये सोच रहा हूँ मग्गे के बिना नहाते थे तो गाइस मग्गा तो था नहीं इस टाइम पे। देखो शानदार लग रही पीछे भी। सो गाइस ये सब हमारे दोस्त अचंभो में आ चुके हैं, देखिए ठीक है, हाँ ये इसके अंदर। सो ये देख लो आप लोग गाइस एक बार पूरा देख लो ये पूरा ना, फिर इसके बाद हम आपको अंदर से दिखाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो ये पूरे हाथों से बनाया हुआ है, उस टाइम की कोई मशीनें यूज नहीं होती थी। यहाँ से सीधा राइट हैंड में आने पे अकबरी महल के वास्ते ये आता है, यहाँ पे गाइस हम जाएंगे वही दिखाएंगे आपको सीधा। अकबरी महल का मतलब यही होता है कि जिसकी ये अकबरी महल जिसकी ये, इसको बंगाली महल के नाम से जाना था, इसको 1565 ईस्वी में बनवाया गया था। इसकी स्थापना अकबर ने की थी, इसको अकबरी महल इसलिए कहा जाता है। यहाँ से नज़ारा देखो आप लोग, ये बहुत ही पुराना है, 1565 ईस्वी का है। तो यहीं से शुरू होता है अकबरी महल। साजिद आप कहाँ जा रहे हैं? अकबरी महल। ये देखिए अकबरी महल का, अकबरी महल की तो ऐसी तैसी हो चुकी है, पूरा ख़त्म हो चुका है ये, क्योंकि बहुत ही साल पुराना, सही साल पता नहीं कितने साल पुराना है, 500 साल के समथिंग का हो गया ये, 450 तो कन्फर्म ही है। सो गाइस यहीं पर होता है अकबरी महल का ख़त्म। ये अकबरी महल छोटा सा था। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम आ चुके हैं फाइनली रेड फोर्ट के अंदर, और हमारे साथ हैं साजिद और सुमित और हमारे दो फ्रेंड्स अलग अलग चले गए हैं, वो मेरा कैमरा लेके फोटो शूट के वास्ते। सो गाइस अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कुछ शॉट्स रेड फोर्ट के। पहले तो ये देख लो आप बार बार से, देखो ये वो है जगह जहाँ पे कुछ होता था, वो मुझे नहीं पता क्या होता था, और ये वो चीज़ है जहाँ पे नोट्स लगी जाती थी, और वो पीछे देखो वो मकबरा वो। सो गाइस अब हम आपको दिखाएंगे खास महल, जो कि खास महल था। सो फाइनली हम घुसते हैं अपने धीरे धीरे कदमों से साजिद के साथ। साजिद आ जाओ, ये बाहर का कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है गाइस? ये है वो चीज़, ये खास महल है। किसका खास? साजिद आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा खुद का खास है, किसी और ने इसको खास बनवाया था, ये हमारा नहीं है। सो गाइस यहाँ ताला लगा हुआ है, जबकि ये सुरंग है, ये देखिए। सॉरी आगे कुछ नहीं है गाइस, को ये देखो, देखते जाओ देखते जाओ। तो गाइस हमारे दोनों दोस्त कैमरा और लेके हो चुके हैं लापता, शायद वो हमसे दगा भी कर सकते हैं, कैमरे के नहीं आते इसलिए भी खराब हो सकती है, और वही मैसे के पीछे पा रहे ठीक है। तबीयत खुश कर देगा ऑडियंस की। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग गए थक, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं और हमारा मूड हो गया थोड़ा खराब, क्योंकि यहाँ पे नेट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हमारा नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा, और हम बात कर रहे हैं रील बिल्कुल भी शूट नहीं हो सकती। हम अब मौज पे क्या डालेंगे, इंस्टा पे क्या डालेंगे, हम तेज सोच रहे हैं। हमारा भाई चार चार सिमों के साथ आया हुआ था, मैंने खुद की पर्सनल दो सिम रखी हुई थी, जिसमें से कोई भी नेट नहीं चल रहा, और हम खड़े हुए हैं आगरा के दीवान खास में, खास क्या बोलते हैं, खास महल में। सो गाइस ये क्या है, खास महल है, जब आपको पता नहीं तो आपको मुंह नहीं खाना चाहिए। खास महल है, यहाँ पे वो घुमा करता था। मैं खाना ये है, मैं खाना यहाँ पे होता था डांस पहले के ज़माने में, बोले तो मुजरा यहाँ पे कौन शराब पीता था, यहाँ पे कौन शराब पीता था पता नहीं, अनारकली का बॉयफ्रेंड कुछ ऐसा ही अनारकली का बॉयफ्रेंड। सो गाइस अब बारी है बहुत ही खास चीज दिखाने के लिए, जो कि यहाँ का कुछ शानदार दिखाता है। देखिए अब देखो ये यहाँ से जाओगे तो बस इस खिड़की से खास महल के बाद जो आपको दिखता है उसे हम बोलते हैं ताजमहल। ताजमहल कहाँ गया, ये देखिए दिख गया गाइस, ये इसको बोलते हैं ताजमहल। देखिए और ये बाहर का गेट है, और आपकी यहाँ का एक एक कलाकारी दिख सकते हो, नक्काशी कितनी शानदार है, कितनी बढ़िया है, एक नंबर। वैसे तो यहाँ सब कुछ अच्छा है, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा देखने में। वैसे हम लोग तो क्या है ना, हम देख चुके हैं, और बारिश का मौसम से लाइटिंग थोड़ा कम आ रहा है, बट आप जब आओगे उस टाइम शायद रेन नहीं हो रही हो, सब चीज़ अच्छा हो। हाथों से कारीगरों ने बहुत मेहनत के साथ में ये चीज़ बनाई है, और हम आपको ताजमहल भी दिखाएंगे। मुझे ये बहुत शानदार लगता है साजिद, जैसे कि अब आप घूम के दिखाने वाले हैं कुछ ये खास ताजमहल।
यार काफी शानदार लग रहा है। यहाँ से आप जो चीज हम देखने आए हैं ना वो चीज आप बिल्कुल देख सकते हो। देखिए आपको हम आपका फेवरेट और प्यार करने वाला का एक नजराना है जो अकबर ने शाहजहां ने। तो जैसा कि यहाँ का खास महल का आपको साजिद ने कवर करके दिखा दिया सब कुछ, तो हम जैसे ये खास महल से ये निकलेंगे राइट हैंड साइड पे, तो आपको ये देखो ये बाहर आएंगे यहाँ पे देखो काफी टूर आए हुए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं। और खास महल के ये बगल से ही, खास महल के बगल से ये देखो ये खिड़की है, इसके बगल से आप देख सकते हो ताजमहल काफी बखूबी दिखेगा। ये देखिए ठीक है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं उसके अंदर, फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। सो गाइस ये देखिए खास महल से ताजमहल पूरा ही दम शानदार दिखता है। सो जैसे ही खास महल से आप निकलेंगे यहाँ पे आप आएंगे, इसको बोलते हैं देखो जैसे बुर्ज खलीफा है वैसे बुर्ज। ये देखो गाइस ये देखिए, देख रहे हो ना आप, ये हाइडन चीज है, ये कोई नहीं दिखाता जो हम दिखाते हैं जी गाइस। ये एक सही बोल रहे हो गंदा। कौन सा खाना सेव करेगा इसमें? सेव बढ़िया चीज। So guys, जैसा कि आप लोगों को पता है खास महल से बाहर निकलते ही साथ यहाँ पे आता है मुसर बुर्ज है जो भी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा था क्योंकि यहाँ पे शाहजहाँ जो था, शाहजहाँ यहाँ पे नजर बंद हो चुका था, यहीं पे कैद था, जिसको जेल भी बोल सकते हैं उनकी, वो यहीं पे बैठते थे, यहाँ पे नमाज पढ़ते थे अपनी वाइफ की वफात के बाद। यहाँ से वो ताजमहल जब बना था तो ताजमहल को बनाया था उन्होंने, ताजमहल को बनाते यहाँ से ताजमहल देखते थे, वो देखते थे यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। सो गाइस ये वही जगह है जहाँ पर शाहजहाँ की डेथ हुई थी। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे यहीं पे से डेथ हुई थी उसकी शाहजहाँ की। और ये पहले पूरा वायर कलर का था, अभी जो पत्थर आप लोग देख रहे हैं ये सब जो प्रिंट देख रहे हो आप सोच रहे हो ये देखो ये ब्लू कलर का है पत्थर, ये सब वही पत्थर है जिस ये पत्थर वो है जिसमें जिस पत्थर के सलमान खान ब्रेसलेट पहना हुआ है। अभी तो ये पत्थर आ नहीं रहे, ये काम बाकी है कुछ, तो गाइस ये पूरा फिर से बनाया जा रहा है, ये पूरा वाइट कलर का पहले था। सो गाइस अब आपको कुछ और खास दिखाते हैं यहाँ पे जो आपको पूरा गाइड कराएंगे, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा जो हम बताएंगे। सो गाइस देखो यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है, ये कोई जगह होगी जिसके मुझे नहीं पता इसके बारे में। सो गाइस बट ये कुछ तो था यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं, मतलब कुछ खास था। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया, देखिए ऊपर का भी शानदार है एकदम मकबरा जैसे दिख रहा है, यहाँ से ताजमहल भी दिख रहा है आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है हमारा दोस्तों का। सो गाइस अब हम चलते हैं कहीं और दूसरी जगह, ये तो हो चुका पूरा खास महल और ये मुमताज बुर्ज सब कुछ हो चुका है यहीं पे। सो गाइस मैं यहाँ की एक खास बात बताऊँ, आप जब यहाँ पे खड़े होंगे देखो ये इस दीवार पे, जब आप इस दीवार के पास खड़े होंगे ना तो आपको ताजमहल बहुत ही बड़ा दिखेगा, बट जब आप उस वहाँ पे उस टावर के पास जाके खड़े होंगे ना तो वहाँ से आपको ताजमहल एकदम छोटा सा इतू सा दिखेगा, क्योंकि वी आर अ फोकस अबाउट रिवर और गार्डन सब कुछ देखें ना, तो आंखों का धोखा होता है। सो गाइस जब आप इस दीवार के पास आओगे तो आपको ताजमहल सामने से बहुत ही बड़ा दिखेगा, और जब वहाँ पे जाओगे तो आपको ताजमहल छोटा सा दिखेगा। सो गाइस ये भी, और जो अभी अभी आपके जहाँ पे शाहजहाँ, और जैसा कि बताएं ये खास महल जो है ना शाहजहाँ की डोरा का था, और जो ऊपर ये देख रहे वो जो ऊपर देख रहे हैं ये जो इसको बोलते हैं टावर, ये है जैस्मिन टावर। इसके नीचे जो है ना जहाँ पे शाहजहाँ कहता है उसके नीचे से फाउंटेन निकलता है, जैसे आप लोगों ने देखा उस फाउंटेन का नाम है जैस्मिन फाउंटेन, फाउंटेन की तरफ दिखता है। तो इसके ऊपर जो मकबरा बना है उसको जैस्मिन फाउंटेन बोलते हैं, जैस्मिन टावर बोलते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे आइए एक बार। सो गाइस देखो ये भी वो है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। सो गाइस हम थक चुके हैं, हम यहाँ पे करते हैं लाल किले का व्लॉग बंद, और इसके बाद दो चार क्लिप्स दिखा देंगे अच्छी अच्छी जो कि आप लोगों को देखने लायक होगी, आपको इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई भी गार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस हमारा व्लॉग देखते रहिए, सब कुछ मिलता रहेगा, तो आपको मिलते हैं सीधा शॉर्ट्स पे, दिखाते हैं छोटे छोटे भाई क्यों बना रखिए। ये है जॉन रसेल, फिर इनकी कब्र जिन्होंने यहाँ पे राज किया था, और ये है दीवाने आम, यहाँ पे जो ये चौकी रखी हुई है यहाँ पे वो बैठा करते थे ऊपर आके, तो देख सकते हैं ये भी, और इधर तरफ का भी देख सकते हैं, बट ये बंद है क्लोज है, ये आपको दिखाएंगे बाद में। सो गाइस ये देखो ये है काफ़ी शानदार जगह है, बढ़िया है, और वो जो देख रहे हो आप ये है कुआं, इसके अंदर पानी नहीं है, और ये देखो पीछे से ऐसा लग रहा है जैसे ताजमहल है ना, बट ये ताजमहल नहीं है, ये बंद है पीछे से।
सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देख लिया पूरा रेड फोर्ट, हाँ भैया जा पूरा रेड फोर्ट देख लिया, ये है ना, यहाँ पे आओ घूमो टहलो, हमारी बकचोदी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वैसे तो इस बोर में आप बोर भी हो गए होंगे, कई जगह बोर हो गए, आपको दिखा रहे सीधा ताजमहल का नया व्लॉग, बाय बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब, बाय बाय। So guys, अगर हमारा व्लॉग पसंद आया तो लाइक, हम रोने पे आ गए रील्स ना चलने की वजह से। देखो राजन कुछ बोलना चाहेंगे आप? रील्स भी तो नहीं चल रही थी नेट की वजह से। सर मैंने तो रील्स बना ली है, 3 रील्स बनाई है आज पूरी दिन। और ये वही काला आदमी जो फिल्टर में भी काला दिखता है अभी तो फिलहाल। हाँ तो साजिद आप कुछ बोलना चाहेंगे? खत्म करते हैं वो लोग, क्योंकि हम खत्म करते हैं वो लोग, ये भी बोलने की हालत में नहीं है। सो गाइस हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अगर हमारा वीडियो पसंद है तो आपको नया नेक्स्ट व्लॉग देंगे ताजमहल का।